हर घर में कभी ना कभी ठंडी रोटी तो हर किसी के घर में बच ही जाती है, तो हम सोचते हैं कि इन ठंडी रोटी से क्या करें। तो आज इन ठंडी रोटी से मैं आपको बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाना बताऊंगी, जो खाने में सभी को बहुत ही पसंद तो आएगा, साथ में ये बहुत हेल्दी भी होगा। आप इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए रात की 4 बची हुई रोटी ले ली है। सबसे पहले इन रोटियों के हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। तो बस रोटियों को हम अच्छे से तोड़ लेते हैं। ये देखिए रोटियों के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब हम एक बर्तन में डालेंगे पानी और पानी के अंदर इन रोटियों को हम डाल देंगे। इनको अच्छे से पानी में डुबो देंगे ताकि ये रोटियां हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आपकी रोटी जितने भी एकदम चाहे कितनी भी सूखी हो या टाइट हो चुकी हो तो पानी में डालने से वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस इनको 7 से 8 मिनट तक ढककर रख देंगे और आप देख सकते हैं 7-8 मिनट में ये रोटी हमारी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब इनको हम डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में। साथ में इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप ही डाल देंगे इसमें हम पानी। 4 रोटियों के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप ही पानी लिया है। तो बस अब ढक्कन लगाएंगे और इनको एक बार हम ब्लेंड कर लेंगे। तो रोटियाँ हमारी पहले से नरम हो चुकी है तो इसको ब्लेंड करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए ब्लेंड करने के बाद ये हमारा एकदम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए रोटियों के टुकड़े हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल एकदम पीस कर वो हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो बस अब हमें इस बैटर को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेना है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, वैसे रोटियों में भी नमक रहता है, नमक तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे। इसको एक बार अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर ये इसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही है तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। तो बस पानी डालकर मिला लेते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इस तरह की रखी है। तो बस अब इसको हम ढक देते हैं और ढक कर इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद इसको एक बार हम फिर से चला देंगे। तो ये देखिए पहले से ये काफ़ी थोड़ी सी थिक हो गई है क्योंकि सूजी है जो पानी को एब्जॉर्ब करती है। अब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। सब्जी आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मसालों में मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक जो मैंने सब्जियाँ डाली उसके हिसाब से ही डाला है क्योंकि बैटर में तो हम नमक पहले ही डाल चुके हैं। तो चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। बस इनको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने गैस पे रख दिया है एक तवा, इसको हम थोड़ा सा तेल से पहले ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक कपड़े से पोंछ लेंगे। बस हमें तवे को थोड़ा सा चिकना कर लेना है। अब इसके ऊपर हम एक बड़ी चम्मच भर के बैटर डालेंगे और हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको फैला देंगे। चारों तरफ इसके थोड़ा सा हम तेल या घी जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल देंगे और जब ये नीचे से सिक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। बस चारों तरफ थोड़ा सा घी या तेल और डाल देंगे और इसी तरह पलट पलट कर इसको हम सेक लेंगे। ये देखिए ये नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो बस इसको हम प्लेट में रख लेते हैं और जो बचा हुआ हमारा बैटर है उससे हम सारे नाश्ते इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। दोस्तों गर्मी के मौसम में ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी रहता है और बहुत ही ठंडा रहता है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। आप चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको डालकर दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है। आप इस नाश्ते को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करके देखें। तो खाने में
ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। देखिए यकीन मानिए, जिनके दांत नहीं है, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इस नाश्ते को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ या कोई भी मनपसंद की सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।